तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमारे पास है VLCC का चारकोल पील ऑफ फेस मास्क। तो हम जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर जितना भी पॉल्यूशन होता है, जितना भी डर्ट होता है, जितना भी डस्ट होता है, सारी चीज़ें हमारे स्किन में अच्छी तरह से चिपक जाती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से निकाल देता है, पील ऑफ कर देता है। एंड ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है कि भैया ये आपके जितने भी वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो निकाल देगा, आपकी स्किन को लाइट कर देगा, ब्राइटनिंग कर देगा, जो भी आपका सन के कारण आपके स्किन को डैमेज हुआ है उसको ये रिपेयर कर देगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया स्किन को स्मूथ कर लेगा। तो मतलब ये सारी कंपनी क्लेम कर रही है, अभी हम इस पर मोहर नहीं लगा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमारा क्या काम है, हमारा काम है इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड उसके बाद जो इसका एंड रिजल्ट क्या आता है वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। एंड अगर एंड रिजल्ट अच्छा रहेगा तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इसको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में आप खरीद सकोगे। सो चलो जल्दी से इसका टेस्टिंग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, आप चाहो तो उसको वाइप भी कर सकते हो। तो यहां पे मैंने कपड़े को गीला कर लिया है। अब सबसे पहले आपको फेस को जो है ना वो अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ताकि जो हल्का फुल्का जो डर्ट अगर हो वो इसी से हट जाए, और आपको अपने हाथों को भी क्लीन कर लेना है ताकि उसमें भी कोई गंदगी हो तो वो आपके फेस पे ना आए। तो इसको इस तरह से आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आप गर्म पानी से करोगे तो वो और भी बहुत ज़्यादा असरदार रहेगा। हालांकि हम स्टूडियो में तो यहाँ पे गर्म पानी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ठंडे पानी पे ही कर रहे हैं। तो अगर आपके पास वार्म वाटर हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि मैं जो ये जो पील ऑफ मास्क है पहले भी बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, इस ब्रांड का नहीं दूसरे ब्रांड का, लेकिन इसको हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से यहाँ पे पूरा पोंछ लिया है पानी से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपके फेस में जहाँ पर भी हेयर है, जैसे कि हम लड़कों में यहाँ पे बियर्ड होता है, एंड जो लड़कियाँ हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पूरे फेस पे लगा सकती हैं, लेकिन लड़कों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि भैया जहाँ पे दाढ़ी हो ना वहाँ पे बिल्कुल भी मत लगाना, नहीं तो फिर तू तो गया बेटे। तो ठीक है, तो फिर तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है। अब जल्दी से इसको हम लोग लगा लेते हैं। हालांकि लगाने से पहले मैं आपको ये ट्यूब दिखा दूं, बिकॉज ये ट्यूब मैंने आपको दिखाया नहीं था। 100 ग्राम का ये ट्यूब है, 420 रुपये इसका MRP रहता है, लेकिन ये आपको बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको आराम से 230 रुपये से लेकर 280 रुपये तक ये आराम से मिल जाएगा। तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही आपको सस्ता वहाँ पे लिंक आपको दिया हुआ है, उससे आपको जो प्राइस है वो बिल्कुल रीजनेबल लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पहले अपने हाथों में निकालो, बिकॉज अगर आप ट्यूब से अलग अलग करके निकालोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लड़की हो या लड़के, अपने बाल को अच्छी तरह से पीछे कर लो, बिकॉज आप पीछे नहीं करोगे तो आपके ये वाला सेक्शन जो है अगर नीचे उतरेगा तो आपके बाल जो है वो चिपक भी सकते हैं। हालांकि मेरे को जो अभी सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि मैं देख नहीं पाऊँगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन कर लेते हैं, बिकॉज वीडियो के चक्कर में इतना रिस्क तो ना लेने वाले भैया कि अपना जो बाल वाल सब नोचवा डालें। तो इसको एक बार हम कैमरा सेट कर लेते हैं। अब इसको लगाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं लगाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना है, तो इसको आपको मोटा मोटी बराबर लगाना है। तो यहाँ पे भी हमने ये कैमरा ऑन कर दिया, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, बिकॉज अगर बाल वाल में लग गया ना तो भैया बैंड बच जाएगा। हालांकि मेरे को लग रहा है कि बाल में ऑलरेडी लग भी चुका है, तो इसको हम लोग अब अच्छे तरह से लगा लेते हैं। आँखों से अपने को दूर रखना है, बिकॉज आँखों के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है, और ये लगाते के साथ आपको बहुत ही ठंडा फील होगा, एंड आपकी आँखें भी हैं तो उसमें हल्का हल्का सा बर्निंग सेंसेशन आएगा, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी आ भी रहा है, एंड नाक में भी आपका ऐसा कुछ सेंसेशन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, एंड आपको यहाँ पे हल्का हल्का बर्निंग सेंसेशन देगा, और जैसा कि मैंने कहा ठंडा ठंडा भी फील होगा। तो भैया आँख बहुत तेज़ मेरी जल रही है, तो आँखों से अपने को थोड़ा सा दूर रखना है। तो ज़्यादा पतला लेयर भी नहीं रखना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा पतला लेयर रखोगे वो काम नहीं करेगा, ज़्यादा थिक लेयर रखोगे तो हटाने में आपको बुखार छुड़ा देगा। आईब्रोज से भी आपको बचा करके रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, लेकिन हाँ लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो नो डाउट बहुत अच्छा आने वाला है, ऐसा हम
उम्मीद कर रहे हैं बिकॉज ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। तो मेरे को क्यों लग रहा है जो हमने मीम स्टार्टिंग में लगाया था वो मेरे साथ ही हो गया कि तू तो गया बेटे, बिकॉज यहाँ पे मेरे जो सर के बाल हैं और जो साइड्स के भी हैं वो भी शायद आई गेस इसके चपेट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है एंड बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। हालांकि जो आँख में बर्निंग था वो अब नहीं हो रहा है, वो स्टार्टिंग में हल्का सा कोल्डनेस के कारण हुआ था होगा, नहीं तो अभी आँख में बिल्कुल भी ऐसा बर्निंग का नहीं है। तो यहाँ पे हमने उसको अब अच्छी तरह से, हमें यहाँ पे इसको 15 मिनट मिनिमम यहाँ पे सूखने में इसको टाइम लगेगा, मैक्सिमम 30 मिनट्स तक लग सकता है। तो इसको अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा जो ये मास्क है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है, लगभग 18 से 19 मिनट का टाइम लगा एंड बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने का है कि ये जो आप इसको निकालोगे ना, आपको इसको ऊपर की तरफ से नहीं निकालना है, आपको इसको नीचे की तरफ से आपको इसको पील करना है। तो इसको अब आपको क्या करना है, एक अच्छे तरह से यहाँ पे एक आपको एंड यहाँ पे खोल लेना है और खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसको निकालते जाना है। जब निकालोगे तो हल्का हल्का आपको यहाँ पे खिंचाव टाइप लगेगा स्किन में, बिकॉज फेस की जो स्किन होती है वो पतली होती है एंड हल्का हल्का आपको आस्ते आस्ते करके निकालना, ज़्यादा तेज़ी से मत निकालिएगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे नॉट्स को ब्रेक कर लोगे तो आपको यहाँ पे पील करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। अगर आप चाहोगे कि पूरा मास्क एक बार में निकालें, मतलब एक सेट निकालें पूरा, तो वैसे में तो भैया पॉसिबल नहीं है, बहुत दिक्कत होगा। तब कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसको जो है वो आपको आस्ते आस्ते पील करना है। चलो इतना तो हमारा हो गया, चलो ये क्लियर हमारा यहाँ पे निकल चुका है। अब उसी तरह से इसको भी हमें जब निकालोगे ना तो आपके जो स्किन है वो हल्की हल्की खींचेगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एकदम आस्ते आस्ते से करना है, बिल्कुल पेशेंस रखना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेरे बाल भी थोड़े बहुत यहाँ पे फंस गए हैं, बिकॉज वीडियो बना रहा था तो उतने ध्यान से नहीं लगा पाया, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देना, नहीं तो ये जो बाल हैं वो खींचने लगेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा खींच रहे हैं मेरे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आस्ते करके छुड़ा लेंगे। एंड यहाँ पे ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो हट चुका है। एंड बाकी जो आपका जो हल्का फुल्का जैसे ये रह गया है ना, आप इसको आराम से यहाँ से हाथ से भी हटा सकते हो। एंड अगर हाथ से नहीं भी हटता है ना तो आप आराम से फेस वॉश भी कर लोगे तो ये हट जाएगा, हालांकि ये हाथ से भी बहुत आराम से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफरेंस हमारे फेस में वो आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल आ रहा होगा कि हमारा जो फेस है उसमें बहुत हद तक साफ सफाई हो चुका है। अब एक सबसे अच्छा चीज़ है कि आप इसको एक बार अच्छी तरह से फेस को वापस से गीले कपड़े से एक बार पोंछ लोगे ना तो आपका जो फेस है वो और भी ज़्यादा फ्रेश फील होगा, बिकॉज जब आप इसको पील करते हो तो हल्का हल्का ये खिंचाता है ना, तो उससे हल्का इरिटेशन होता है, लेकिन एक बार ठंडे कपड़े से अगर आप पोंछ लोगे तो आपको फेस जो है, स्टार्टिंग आपको गीले कपड़े से पोंछना है एंड जब हो जाए उसके बाद आप हल्का सा ठंडे पानी से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे अब आप स्क्रीन मेरा जो स्किन है वो देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वाइट यहाँ पे फील आ रहा है। एंड ये भैया खाली फीमेल लोगों के लिए नहीं है, मेल लोगों के लिए भी है, बिकॉज भाई हम भी तो इंसान है ना, तो यहाँ पर हमें भी भैया टाइम टू टाइम अपने स्किन का केयर करना चाहिए। तो अगर आपको रिजल्ट जानना है तो रिजल्ट आपके सामने है, तो अब आप ही को डिसाइड करना है कि इसका रिजल्ट कैसा है, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर करके बताना। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके अगर बाय करोगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल भी जाएगा। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए कीप शॉपिंग।